आप यूनिमनी के साथ वो एयर बुकिंग का लॉगिन करना चाहिए तो आपको दो ऑप्शन देंगे. एक ऑप्शन cacsafar.unimoneytravel.com यूआरएल लिंक डायरेक्टली आप मोज़िला फायरफॉक्स में एंटर कर दीजिए तो आपको सीधा लॉगिन पेज में लैंड हो जाएगी. फिर और एक ऑप्शन है डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप लॉगिन क्लिक किए तो आपका कस्टमर आईडी डालना पड़ेंगे, फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्लिक किए तो आपको ऑटोमेटिकली यूनिमनी का सफर ट्रैवल पोर्टल का लैंड स्क्रीन में जा जाएंगे. नेक्स्ट या आप देखेंगे हाउ टू बुक एयर टिकट्स. आप बुकिंग का राइट साइड आप देखेंगे आपको इंडिकेशन रहेगा बुक एयर टिकट, इसमें आप जस्ट क्लिक कर दीजिए. नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको सर्च फ्लाइट ऑप्शन में जाएंगे. सर्च ऑप्शन में आप देखेंगे आपको तीन ऑप्शन रहेगा, वन वे, राउंड ट्रिप एंड मल्टीपल. फॉर एग्जाम्पल आप वन वे टिकट देखने के लिए जा रहे हैं दिल्ली टू बॉम्बे, जस्ट अपडेट कर दीजिए फ्रॉम एंड टू, देन फॉलोड बाय आपका डेट कौन सा डेट को करना चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन ए स्क्रीन में अपडेट करना चाहिए. एक ही पीएनआर में मैक्सिमम 9 पैसेंजर तक आप इशू कर सकते हैं, दोनों मिला के अडल्ट चाइल्ड एज वेल एज इन्फेंट. एक ही अडल्ट एक ही इन्फेंट लेके जा सकते हैं, एक ही अडल्ट दो इन्फेंट लेके जाने के लिए पॉसिबल नहीं है. ऐसा सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको फर्दर स्क्रीन को नहीं जाते. देन आपको उसमें नीचे आप देखेंगे आपको फ्लाइट क्लास का ऑप्शन भी रहेगा, इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास, वो दोनों भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्क्रीन इसमें आप देखेंगे मैं एक सेक्टर सेलेक्ट किया है दिल्ली टू बॉम्बे. अब नीचे आप देखेंगे उसमें आपको फेयर में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाते हैं, रिटेल, कॉर्पोरेट, सिक्सी कनेक्ट, ऐसा कुछ फेयर टाइप रहेगा. वो पूरा सारा इकोनॉमिक क्लास का फेयर टाइप है. इसमें आप एक ही सेलेक्ट करना चाहिए तो आपका मर्जी दे. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में सेलेक्ट किया तो आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत कम रहेगा, उसमें बेनिफिट रहेगा, एडिशनल सीट बेनिफिट रहेगा, एडिशनल मील कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन ऑप्शन रहेगा. रिटेल फेयर्स में सेलेक्ट किया तो आपको फेयर बहुत सस्ता मिल जाएगी, बट इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस नहीं रहेगा. फॉर मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन करना चाहिए तो आपको पेनल्टी बहुत ज्यादा रहेगा. आप डिसाइड करना चाहिए कस्टमर को कौन सा सर्विस, कौन सा फेयर क्लास आप देना चाहिए. कैबिन रिमेन सेम, आपको इकोनॉमिक कैबिन पे बहुत सारे फेयर टाइप हम लोग इनकॉर्पोरेट किए, दैट इज कॉल्ड टेक्निकली फेयर फैमिली. आप मर्जी दे आप सेलेक्ट करके आप फर्दर प्रोसीडिंग जाना है. आप ऊपर देखेंगे हम लोग का कंटिन्यू हमारा है. आप सीधा एक फ्लाइट सर्च होने के बाद आप सीधा उसमें लोएस्ट फेयर आपको पिकअप हो जाएगा. आपको उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए और दूसरा एयरलाइन चेक करना है, दूसरा टाइमिंग चेक करना है तो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा, बाय फिल्टर बाय एयरलाइन, फिल्टर बाय टाइमिंग, ऑल द जोन्स आर बीन एनेबल्ड. आप सेलेक्ट करके जस्ट कंटिन्यू क्लिक करना चाहिए. नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेज में आपको देखेंगे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन का लेफ्ट साइड में ट्रैवलर का इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिखाते. देन राइट साइड में आप देखेंगे आपको ऑप्शन रहेगा एंसिलरी सर्विसेज, सीट एंड मील. आप उधर क्लिक किए तो दूसरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा. इसमें आपका प्रेफरेबल सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्री सीटिंग भी रहेगा कोई एयरलाइन पे, कोई एयरलाइन पे फ्री सीटिंग नहीं मिलेगा. देन मील का प्रेफरेंस, कंप्लीट वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको रहेगा, एयरलाइन से कितना ऑनबोर्ड मील सर्विस दे रहा है सारा इन्फॉर्मेशन इसमें हम लोग अपडेट किए. आप सेलेक्ट करके अब फर्दर प्रोसीडिंग करना चाहिए. इसमें मील और सीट के ऊपर हम लोग का बैगेज का पैकेज भी इंक्लूड किए. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए कोई पैसेंजर डोमेस्टिक कनेक्टिंग ले रहा है दिल्ली टू बॉम्बे, उन लोगों को भी एडवांटेज क्या है, एयरपोर्ट पे आप बैगेज पे करना चाहिए तो बहुत कॉस्टली रहेगा. प्री बैगेज बुकिंग इधर भी आप डाल सकते, आपको ईजी हो जाएगी. नेक्स्ट आप देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीएलई कमीशन का बार, अभी ऑलरेडी मिस्टर हरी सर भी बता दिए. आप देखेंगे आपको पर ट्रांजैक्शन का सीधा आपको 200 रुपी सर्विस चार्जेस रहेगा. अभी रीसेंट मॉडिफिकेशन वीएलई के और ऊपर बेनिफिट देना चाहिए, उसके लिए हम लोग फॉर डोमेस्टिक 1000 रुपीज मैक्सिमम रेवेन्यू ले सकते पर पैसेंजर के लिए. अब इंटरनेशनल में 1500 ले सकते. इधर आपको जस्ट क्लिक करके आप मॉडिफिकेशन दिए तो ऑटोमेटिकली वो चार्जेस ऑटोमेटिकली टिकट पे कन्वीनियंस पेज में ऐड हो जाएगी. इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपका बहुत सारे वीएलए हम लोग रीजन के पास बोला है हमारा फेयर थोड़ा डिफरेंस आ रहे बोल के, बट एनी ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल आपका फर्स्ट स्क्रीन में क्या फेयर दिखा रहा है वो फाइनल स्क्रीन तक गारंटी नहीं रहेगा. उसको ऊपर फेयर चेंज करने के लिए पॉसिबिलिटी भी है. फिर और एक ऊपर उसको पेमेंट गेटवे चार्जेस भी अप्लीकेबल
पर ट्रांजैक्शन को हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली टू बॉम्बे एक पैसेंजर को पेमेंट गेटवे चार्जेस मिनिमम टू 300-400 रुपीज सर्विस चार्जेस ऐड हो जाएगी। सो उसके लिए ऑलवेज फर्स्ट स्क्रीन पे फेयर कौन सा फेयर देख रहे हैं, इट इज अ टेक्निकल साउंड टू अट्रैक्ट द कस्टमर। बट हमारा CAC VLE पोर्टल पे एक्सक्लूसिवली हम लोग दिए एक्चुअल एयरलाइन के साथ डायरेक्ट हिट हो जाएगा, उसको आपको फाइनल स्क्रीन तक गारंटी रहेगा फेयर का। फेयर का कुछ फर्क डिफरेंस नहीं होता है। फिर आपको भी एडिशनल एडवांटेज VLE कमीशन आप मॉडिफिकेशन करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देन अंडरस्टैंडिंग ट्रैवल डैशबोर्ड, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा सकते हैं। आपका ट्रांजैक्शन डिटेल पूरा इधर दे सकते हैं, फिर इसको ऊपर रिफंड का स्टेटस क्या है, आपका रिपोर्ट होना चाहिए, आप बिल्कुल आपका एक्सेल के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे इधर ई टिकट बटन रहेगा। ई टिकट बटन मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक टिकट इशू करने के लिए जा रहे टिकट बट पेमेंट के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, मे बी 1 रुपया 2 रुपया कम में उसके लिए आपको एरर आ गया तो ऑटोमेटिकली आप सीधा डैशबोर्ड को आना चाहिए। डैशबोर्ड में आप देखेंगे कंफर्म्ड बोल के एक ऑप्शन रहेगा, अप्रूव्ड बोल के एक ऑप्शन रहेगा। कंफर्म ऑप्शन में सीधा राइट साइड में आप देखेंगे ई टिकट का बटन दिखाते उसमें आप जस्ट डाउन एरो क्लिक किए तो टिकट कॉपी डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते। सपोज ट्रिप आईडी जनरेट हुआ ड्यू टू सम रीजन बट आपको राइट साइड में बटन पे ई टिकट नहीं दिखता है, इसमें मतलब क्या है, आपको बुकिंग ट्रिप जनरेट हुआ बट टिकट इज फेल्ड। टिकट फेल्ड का रीजन बहुत सारे रीजन रहेगा, उसके लिए आपको हम लोग क्लियरली ऑटो मेल नोटिफिकेशन बैक एंड टीम को आ जाते, उन लोग आपको इमीडिएट कॉल करके अपडेट दे देते और एनी रीजन टेक्निकल में प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली शॉर्ट आउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ई टिकट का बटन है तो इट इज टिकट हैज बीन इश्यूड सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट इसमें कैंसिलेशन चार्जेस बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप टिकट इशू किए कस्टमर के साथ अभी कैंसिलेशन होना है और ऑरल्स कैंसिलेशन चार्जेस कैसे चेक करना चाहिए। आप डैशबोर्ड पे ट्रिप आईडी में जाना है, ट्रिप आईडी में आपको सो डिटेल बोल के राइट साइड में एक आइकन रहेगा, उसमें क्लिक किए तो आपको तीन ऑप्शन दिखता है, वी ट्रिप व्यू एंड कैंसिल एंड व्यू समरी। इसमें व्यू कैंसिल क्लिक करना चाहिए, क्लिक किए तो आपको नीचे देखेंगे आपको मल्टीपल पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसमें आपको एक ही पैसेंजर कैंसिल करना चाहिए तो एक ही पैसेंजर का ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप फर्दर प्रोसीडिंग जाए तो ऑटोमेटिकली एक पैसेंजर का बुकिंग कैंसिल हो जाएगा और एक पैसेंजर का रिमेनिंग सेम PNR पे ट्रैवल कर सकते। इसमें स्टेटस में कैंसिलेशन के बाद आप इधर देखना सकते वो कैंसिल बोले तो आपका बुकिंग कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मेड टू द एयरलाइन, बट और एक इन्फॉर्मेशन रहेगा रिफंडेड बोले तो ये अमाउंट आपका वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कुछ मिनिमम टू 10 to 15 minutes टाइम रहेगा, कोई एयरलाइन ऑनलाइन पे प्रोसेस हो जाएगी, कोई एयरलाइन ऑफलाइन में प्रोसेस हो जाएगी, वो टाइम तक कुछ डिले हो रहा है तो इमीडिएटली आपको CAC.support@unimoney.com का मेल भेजना है, विद इन 15 minutes से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट देन नेक्स्ट ऑप्शन बहुत सारी ऑप्शन ऑनलाइन पे मॉडिफिकेशन एंड री इशू ऑटोमेटेड हो गए। इसमें आपको मैं बोला है वो ट्रिप आईडी जनरेट हुआ टिकट इशू किए वो पैसेंजर को री इशू करना जा रहे तो सेम ऑप्शन सो डिटेल में क्लिक करना है ट्रिप आईडी के ऊपर। देन इसमें आप देखेंगे व्यू समरी में क्लिक करना है, व्यू समरी के बाद आप नीचे मल्टीपल पैसेंजर है तो पूरा पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन आपको शो करते, आप पैसेंजर कौन सा पैसेंजर को डे चेंज करना चाह रहे वो पैसेंजर क्लिक करना है इधर। क्लिक करने के बाद आपको इधर देखेंगे रीइश्यू बटन रहेगा, वो ब्लॉक बटन क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा डेट कौन सा डेट को चाहिए और कौन सा टाइम को चाहिए सेम सर्च का स्क्रीन आपको पॉपअप में ओपन हो जाएगी। फिर आप क्लिक करना चाहिए तो एडिशनल पेमेंट कितना है वो अमाउंट आपका कस्टमर को सेटिस्फाइड है तो आप प्रोसेस करेंगे, इमीडिएटली 2 or 3 minutes पे नया टिकट कॉपी जनरेट हो जाएगा सेम ट्रिप आईडी पे। नेक्स्ट बहुत सारे प्रोसेस वो कंप्लीट होने के बाद बेसिक फंक्शनैलिटी वो स्मूथ में रहना है तो ऑन डेली बेसिस आपका हिस्ट्री कुकीज कैच इमेजेस प्लीज हिस्ट्री पे क्लियर कर दीजिए। हमारा टोल फ्री सपोर्ट नंबर 1800-202-1366 ऑलवेज अवेलेबल एंड एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, इवन आपको एक ही पैसेंजर का जेंडर करेक्शन करना चाहिए और पैसेंजर का अल्फाबेट में 1 or 2 करेक्शन करना चाहिए तो बिल्कुल हम लोग एयरलाइन के साथ बात करके आपको बिल्कुल सर्विस
एक्सटेंड कर सकता हूँ, आप cac.support@unimoneyindia.com को मेल भेजना चाहिए। वो प्रोसेस वेरी सिंपल है, जस्ट क्लिक एंड गो सिस्टम पे। आप किधर भी जाना है तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, दुनिया पे कोई भी डेस्टिनेशन जाना है तो एक क्लिक पे आप टिकट बिल्कुल इशू कर सकते हैं। इस पे एडिशनल एडवांटेजेस भी ऐड हो रहा है VLE का फीडबैक के साथ। बिल्कुल हम लोग लेके आने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। देन अभी मैं आपको अनदर 5 मिनट्स पे ऑनलाइन डेमो भी दिखा सकता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी कैसे फंक्शनैलिटी प्रोसेस हो रहा है अभी। चले प्रोसीड फॉर ऑनलाइन।